स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रूप घर पर। आ जाइए भाई जल्दी से जल्दी, सभी लोग जल्दी से जल्दी आ जाएंगे, शेयर कर देंगे एक बार। सारे लोग शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों को। आप सभी लोगों ने शेयर कर दिया या नहीं किया एक बार ये बता दो, सभी लोग बता दो भाई शेयर कर दिया या नहीं किया। जल्दी से जल्दी सभी लोग बता देंगे शेयर कर दिया या नहीं किया, सभी लोग बता देंगे, बता दीजिए भाई सभी लोग बता दो, सभी ने शेयर किया या नहीं किया एक बार इतना बता देंगे। बताओ भाई जल्दी से जल्दी सभी लोग बता दीजिए भाई शेयर किया या नहीं किया, है ना। थोड़ा लेट हो गया उसके लिए माफी चाहते हैं, जितना लेट हुआ उतना ज्यादा पढ़ा देंगे, पर शेयर कर दीजिए सभी लोग। हाँ सभी लोगों को गुड इवनिंग, सभी लोगों को गुड इवनिंग। जितना लेट हुआ उतना ज्यादा पढ़ा देंगे, पर आप सभी शेयर कर दीजिए, है ना। हम भी एक ग्रुप बचा है उसमें शेयर कर देते हैं, ठीक है। जल्दी से जल्दी शेयर करके आ जाओ, जिसने भी शेयर ना किया हो वो सारे लोग शेयर करके आ जाएं। आज सर जी ऐसे पढ़ा देंगे पूर्ण वर्ग निकालना कि आप लोग याद करेंगे, जीवन में नहीं भूलेंगे, है ना। सो गए थे थोड़ा और इतनी भयंकर नींद आ रही थी, आज हिंदी की क्लास जो 3 बजे होती है वो भी गड़बड़ घोटाले ही में रही। चलो भाई कर दिया ना, सभी को बुला लीजिए भाई, सभी को बुला लीजिए जल्दी से जल्दी, जल्दी बुला लीजिए। चलिए भाई आज हम लोग सीखते हैं पूर्ण वर्ग कैसे बनाए। चलिए चलो भाई, ये कीड़े और परेशान कर रहे थे, बोर्ड हमें चलाना है वो बोर्ड चला रहे होते हैं। चलो जैसे तभी आपका लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस सिक्स, इसको आपको पूर्ण वर्ग बनाना है। क्या बनाना सर? पूर्ण वर्ग बनाना सर। देखो सवाल सही लिखा या गलत लिखा पहले तो ये बताओ, टेस्ट करो सर, सवाल सही लिखा या गलत लिखा बता दो जल्दी से जल्दी। माइनस छह एक्स प्लस का एक्स सही लिखा है सर,
बताइए सर पूर्व बनाना है कैसे बनाएंगे, सभी लोग शेयर कर दो एक बार भाई, सभी लोग शेयर कर दो एक बार। देखो हम आपको आज बताते हैं सर जी पूर्ण वर्ग कैसे बनाना है, पूर्ण वर्ग कैसे बनाना है, सही लिखा है। सारे लोग अपने दोस्तों को शेयर करके आ जाएंगे, उनको बता देंगे क्लास सर जी स्टार्ट है और ये डेली क्लास हो रही है, सही है। हाँ बिल्कुल सही लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है। नींद में दिमाग, नींद से जागने के बाद में थोड़ा दिमाग कम काम करता है ना, तो कहीं ये गलत ना हो जाए इसलिए हमने आपसे पूछ लिया, कहीं गलत ना हो जाए, है ना। तो चलिए चलिए भाई हम टेलीग्राम का लिंक और लगा दें, ये एक शुभ काम और कर दें बस, फिर आपकी क्लास स्टार्ट है। हाँ टेलीग्राम का लिंक लगा दें, एक शुभ काम कर दें, फिर क्लास को कंटिन्यू करें। चलो आज के बाद कोई नहीं कहेगा कि हमको पूर्ण वर्ग बनाना नहीं आता है, चलो ये भी शुभ काम कर दिया। अब देखो सर जी जो ये बीच वाला नंबर होता है जिसमें एक्स हो, सभी लोग देखो और आंसर कर दो अपने अपने, जो ये सर जी बीच वाला होता है जिसमें एक्स होता है, जैसे ये पांच एक्स लिखा है जिसमें एक्स लगाओ, सिर्फ एक्स, स्क्वायर स्क्वायर कुछ ना हो जिसमें एक्स लगाओ, उसमें सर जी हम दो का भाग लगाते हैं तो पांच बट्टे दो हो गया, हुआ पांच बट्टे दो। चाहे सर जी क्वेश्चन कोई भी हो, सर जी मेरा कोई दोस्त नहीं, कोई बात नहीं भाभी जी, जिसका कोई दोस्त नहीं उसकी काफी किताबें दोस्त हैं। अब देखो पांच बट्टे दो हुआ, अब सर जी जब दो का भाग लगाएंगे इसी का सर जी हम क्या करते हैं वर्ग, पर एक्स से कोई मतलब नहीं, हमने पूरा लिख दिया, एक्स से कोई मतलब नहीं। तो सर जी कितना हो गया, पच्चम पच्चीस हो गया, दो दूनी चार हो गया। आज सौ बच्चों से ऊपर कर रहे हैं और ये आपको करना है, समझ लो हम कुछ नहीं जानते। पच्चीस बट्टे चार हो गया, अब देखो हम क्या करते हैं, यही पच्चीस बट्टे चार को जोड़ते हैं और घटाते हैं। तो सर जी देखो एक्स स्क्वायर माइनस का पांच एक्स प्लस का पच्चीस बट्टे चार माइनस का पच्चीस बट्टे चार और माइनस का छह, और ये गारंटी हमारी कि आज हम आपको पूर्ण वर्ग सिखा के जाएंगे, इतनी गारंटी हमारी है। गुड इवनिंग। अब देखो सर जी क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर है माइनस का पांच एक्स है। सर जी एक चीज ये बताओ आप लोग, सभी लोग देखना कितना सिंपल होता है, जो लोग कहते हैं सर जी हमको नहीं आता आज के बाद नहीं कहेगा कोई, हमने सर जी कहा ये जो एक्स स्क्वायर लिखा होता है, जो ये एक्स स्क्वायर लिखा है इसको सर अकेला लिखना है। हम क्या करेंगे क्योंकि ऊपर से सब लोग अकेले आए हैं तो इसको हम अकेला करेंगे, अकेला कर दिया। फिर हमने कहा सर जी जिसमें एक्स लगा होता है, एक्स किसमें लगा है, इस पांच एक्स में, पांच के साथ में एक्स है, उसके आगे जो चिन्ह होता है वही चिन्ह लगाते हैं सर। सभी लोग समझ लो सर, जिसके पास जो एक्स वाला पद होगा वो वाला चिन्ह लगाएंगे। तो सर जी एक्स वाला पद के आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस। तो सर जी हमने क्या किया, माइनस का चिन्ह लगा दिया। अब सर जी यहाँ कौन सा नंबर लिखते हैं, यहाँ सर जी नंबर लिखते हैं जो ये संख्या दी रहेगी इसका वर्गमूल लेके लिखेंगे, कहने का मतलब है जिस संख्या का वर्ग किया उसको लिखेंगे। तो अगर इसका वर्गमूल ले तो पचम पच्चीस, दो दूनी चार, और चाहो तो ये वाली लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। अब सर जी इसका लगा देंगे स्क्वायर, चार चक सोलह हुआ, सोलह और पच्चीस चार छंग चौबीस, सॉरी चार छंग चौबीस हुआ, चौबीस और पच्चीस कितना होगा, माइनस का उनचास बट्टे चार, बताओ कितना सिंपल। अब सर जी यहाँ क्या करते हैं, एक्स माइनस पांच बट्टे ये चार, अभी एक बार ऐसे ही लिखेंगे, इसको भी वर्ग में लिखेंगे, ये सर जी सात का वर्ग, ये दो का वर्ग, सात सत्तर उनचास, दो दूनी चार। तो सर जी अगर इसको ऐसे भी लिख दो तब भी कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिख दो तब भी कोई दिक्कत नहीं। अब सर जी क्या करेंगे, ये वर्गांतर हो गया, जैसे ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, यही तो लिखा, इसके बराबर होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी, यही तो होता है सर। सर जी ए बराबर ये वैल्यू है, बी बराबर ये वैल्यू है, इसको सर जी लिखना कैसे, ऐसे लिखना है। अब बताओ ए बराबर आपका क्या, आप कहेंगे सर जी ये पूरा मान, एक्स माइनस पांच बट्टे चार ए है। फिर आपसे कहेंगे सर बी बराबर क्या, आप कहेंगे सात बट्टे दो, आपको चिन्ह क्या लगाना है, प्लस, तो प्लस सात बट्टे दो कर दो। फिर हम आपसे कहेंगे सर जी ए माइनस बी, तो सर जी ए बराबर आप कहेंगे ये वाला मान, एक्स माइनस पांच बट्टे दो, सर जी माइनस चिन्ह लगा दो, बी बराबर सात बट्टे दो। बताओ सर जी एक्स ऐसा ही रहेगा, यहां देखना सर ये सर जी चार है, पांच बट्टे चार था क्या, पांच बट्टे दो था, पांच बट्टे चार लिखने लग गए, अभी सवाल हो जाएगा गलत, धुआं धुआं हो जाएगा अभी सवाल, फायदा क्या। यहाँ पे सर जी क्या है, पांच बट्टे दो है। हाँ अब देखो सर जी हर समान है, हर समान है तो सर जी एक्स माइनस हर जब समान होता है तो सर सात से अगर ये पांच माइनस का चला जाएगा, सर जी ये देखो सात से पांच चला जाएगा, सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सात से पांच गया सर दो बचा, और सर बटे में भी क्या है, ये हर समान है तो दो है, बात समझ में आई। सर देखो एक्स लिखेंगे,
एक से लेगा। अब देखो सर माइनस का सात माइनस का पांच दोनों देखो माइनस का सात भी माइनस का पांच भी, तो सर सात पांच कितना आप कहेंगे सर बारह, बारह बटे दो। अब सर ये दो से दो कैंसिल, ये दो चंगे बारह हो गया, तो आप कहेंगे सर एक्स माइनस वन बच्चा, आप कहेंगे सर एक्स माइनस छह बच्चा। बताओ सर किसी को कोई दिक्कत, बता दीजिए सर किसी को कोई दिक्कत। तो सार जी कोई बात नहीं, अभी तो स्टार्ट हुआ है, पहले सवाल लगाया है, इसके बाद में भी आप सारे सवाल यही सीखने वाले हो, किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, और जिसको आते हैं वो लोग सही से आंसर करेंगे। सर जी बताओ किस किस का आंसर गलत, किस किस का आंसर सही, जल्दी से बता दो भाई, सभी लोग बता दो। गुरु जी को मेरा सादर प्रणाम, भाई भाभी जी प्रणाम, सभी को गुड इवनिंग। एक बार सभी लोग शेयर कर दो ढांसू तरीके से, है ना। आंसर कितना सर x माइनस वन, x माइनस छह। बताओ अगर किसी को सर कोई प्रॉब्लम हो तो बताए कि सर जी हमको ये प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं। चलिए अब हम सर जी आपको बताते हैं दूसरा सवाल, इसको हटाते हैं, दूसरे सवाल पे चलते हैं, सभी लोग बताएंगे, देखते हैं कौन क्या बताता है। सर जी अगर हम लिखते हैं यहाँ पर x स्क्वायर माइनस टू x माइनस का थ्री, बना दो सर, बना दो इसी बात पे इसको पूर्ण वर्ग, सभी लोग बना दो पूर्ण वर्ग, देखते हैं सर कौन कौन बना देता है। सभी को गुड इवनिंग। x स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री, सारे लोग सर पूर्ण वर्ग बनाते, देखते हैं कौन कौन बनाता है। क्लास को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सारे लोग सर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, कोई भी बिना सब्सक्राइब किए हुए क्लास को ना पढ़े, सब्सक्राइब करते करते पढ़िए भाई, सब्सक्राइब करते करते पढ़ाई करिए, और सभी को शेयर करते रहिए, आंसर बताते रहिए। बताओ आंसर, सभी लोग सर आंसर बता दीजिए जल्दी से जल्दी, बताइए सर, सभी लोग बताइए आंसर कितना आएगा। देखो कोई भी सर जी x प्लस वन होगा सर, x प्लस वन x माइनस तीन। अच्छा बताओ, और बताओ भाई सरफराज जी, x प्लस वन होगा। अच्छा 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 आप बात समझ रहे हैं, नींद से जागे हुए हैं तो गलती हो गई है, एक नींद से जाग के उठे हैं ना। अब देखो गलती क्या हो गई सर, सात प्लस का पांच माइनस का सर, तो प्लस का दो बचेगा सर, कितना बचेगा प्लस का दो प्लस का वन, ठीक है ये गलती हो गई, इसके लिए माफी चाहते हैं। लाइट भी चली गई, उसको भी राज ना आई क्लास हमारी, है ना, उसको भी राज ना आई हमारी क्लास। चलिए तब तक आप लोग आंसर करिए, गलती को हमने सुधार दिया है, क्योंकि नींद से जागे थे, और नींद से जागने के बाद दिमाग थोड़ा कम काम करता है, दिमाग थोड़ा सोया हुआ होता है, तो दिमाग हमारा सोया हुआ था, इतने थक जाते हैं कुछ पूछो ही ना आधे से ज्यादा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, अब कोई गलती नहीं होगी, वहां पर सात से पांच जाएगा दो बचता, वो भी प्लस का। सरफराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने बताया। अब आप लोग बताइए अगले क्वेश्चन का आंसर। हाँ गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, क्योंकि इतने थक जाते हैं कुछ पूछो ही ना, आज तो हम तुरंत सो गए थे, और दो घंटे जैसे उड़ते सीधे सो पाए, क्योंकि क्लासें लगी रहती हैं, तो बार बार फोन आ रहे थे, जग जा रहे थे, बार बार क्लास सही कर रहे थे, फिर फोन आ रहे थे, और लोग क्लास लेते हैं ना जो लोग, उन लोग के। चलिए फिर कोई बात नहीं, अब गलती नहीं होगी, आगे चलो। सर जी क्वेश्चन हमने क्या लिखा था, सभी लोग बताएंगे, जो हमने क्वेश्चन लिखा था आप लोगों को याद होगा, है ना। क्वेश्चन सर जी ये लिखा था हमने x स्क्वायर, सभी लोग देखेंगे क्या लिखा था सर, हमने लिखा था x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 3, यही तो था सर आंसर। देखो सर सभी के आ रहे हैं, हाँ चलो भाई अब देखो क्या होगा, x स्क्वायर। अब आप सर जी ये बताओ, सबसे पहले ये जो दो दिया गया है सर, दो ये जो दो दिया गया है सर, यहाँ देखो x वाला दो, इसको सर दो से भाग करते कितना बचा सर वन, तो सर वन का स्क्वायर करेंगे, और वन का स्क्वायर सर वन आएगा, तो इसमें सर क्या करेंगे, इसमें एक बार सर वन जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे सर वन, आपने सर वन जोड़ दिया, और सर वन जोड़ने के बाद में वन घटाएंगे, प्लस का थ्री है ना, इसने तो है सर वन जोड़ा वन घटा दिया। अब सर जी आप बताइए x लिखेंगे, और यहाँ पे जो सर जी नंबर होता है, यहाँ पे जो नंबर वो चिन्ह लगाएंगे सर, वर्ग कितने क्या किया बन का किया, स्क्वायर कर देंगे। आप बताओ सर x माइनस वन का स्क्वायर है ना, x माइनस वन का, इसके बाद में सर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, प्लस का चिन्ह लगा दिया,
प्लस का चिन्ह लगा लिया सर। अब जब सर प्लस का चिन्ह लगा लिया, अब आप देखेंगे यहाँ पर सर माइनस का वन है और प्लस का थ्री है। माइनस का वन और प्लस का थ्री कितना हो जाएगा? सवाल गलत तो नहीं हो रहा? हमको लग रहा सवाल गलत हो रहा है। सवाल हमने क्या लिखा था ये बताओ, हमने सवाल क्या लिखा था? माइनस तीन। हाँ हमने सवाल क्या लिखा था? माइनस तीन लिखा था। आप लोग बताते नहीं, हमने सवाल में माइनस तीन लिखा था। सवाल में हमने क्या लिखा था? माइनस तीन लिखा था। चलो सर तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? माइनस का चार हो जाएगा, हो जाएगा। अब सर एक्स माइनस वन का स्क्वायर कर देंगे, माइनस चार होता है दो का स्क्वायर। सर जी अब आपका ये a माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना, तो एक बार a प्लस बी ए माइनस बी सर इस फार्मूले को लगाएंगे, क्योंकि अगर सर नेक भी गलत हो गया ना, अगर नेक भी सवाल गलत हो गया तो गई भैंस पानी में, अगर एक चिन्ह भी गलत हो जाता है। अब सर जी क्या करेंगे ये बताओ, अब यहाँ सर जी क्या करेंगे? एक बार सर x माइनस वन और एक बार सर प्लस है तो प्लस का दो, एक बार सर क्या करते हैं x माइनस वन, अब ये माइनस का भी है तो माइनस का दो। सर जी कितना आएगा? ये एक माइनस का है दो प्लस का है तो प्लस का वन बचेगा, और सर इधर कितना x माइनस तीन बचेगा। बताओ सर इतना आंसर आया सबका? गुड इवनिंग। हाँ सवाल वो हमको याद नहीं रहा था ना, लाइट चली गई थी, लाइट चली गई थी तो सवाल चला गया था, तो हमको वो याद ही नहीं रहा था। आंसर बताओ सबका आ गया ना? x प्लस वन एक्स माइनस थ्री आ जाएगा, है ना। चले अब देखो, जो लोग गुणनखंड नहीं जानते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री है, कई लोग तो गुणनखंड करके हमें पता है, ज्यादातर लोग आंसर बता देते हैं ऐसे तीन एक्स स्क्वायर हुआ, तो ऐसे गुणनखंड करने हैं तीन के कि गुणा करने पर सर तीन आ जाए, संख्याओं को जोड़ने घटाने से दो आ जाए। तो सर आप कैसे करते हो? तीन एकम तीन, अब माइनस का दो लाना है तो सर जी एक्स स्क्वायर माइनस का तीन एक्स कर देंगे, प्लस का एक्स कर देंगे माइनस तीन। एक्स कॉमन ले लेते हैं, एक्स माइनस तीन बचा, प्लस वन कॉमन लिया एक्स माइनस तीन बचा, तो सर आंसर क्या आ जाता है? एक्स प्लस वन और एक्स माइनस तीन, ये सर आंसर आ जाता है। तो कई लोग तो क्या करते हैं, गुणनखंड करके ही आंसर बता देते हैं, क्योंकि सर पूर्ण वर्ग का जो आंसर आएगा वो वही आएगा जो गुणनखंड का आंसर है। जो सर पूर्ण वर्ग का आंसर है वो दोनों सेम आंसर रहेंगे, गुणनखंड वाला भी वही सर पूर्ण वर्ग वाला भी, है ना। ठीक है नेक्स्ट चलें। चलो भाई और भाई शेयर कर दो एक बार, हमारी भी मान लो एक बार शेयर कर दो सभी लोग। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखो कोई भी गलत नहीं करेगा, आराम से क्वेश्चन को करिएगा, है ना, गलती बिल्कुल नहीं करिएगा। सर जी अगर यहाँ पे लिख दें एक्स स्क्वायर प्लस का लिख दें सर पांच एक्स प्लस का लिख दें सर छह। अब आप लोग बनाइए सर पूर्ण वर्ग, सभी लोग सर जी बना दीजिए पूर्ण वर्ग कितना आएगा, सभी लोग बता दीजिए। हाँ भाई पारुल जी, लेकिन भाई से सौरभ नहीं करना है गुणनखंड से, एग्जाम में आपसे पूछेगा पूर्ण वर्ग बनाओ, तो सर जी आपको पूर्ण वर्ग से सॉल्व करना है। कैसे? अगर एग्जाम में पूछेगा पूर्ण वर्ग बनाओ तो पूर्ण वर्ग करके आपको लगाना है आंसर, गुणनखंड नहीं करना, तो आपको नंबर ना मिले। अगर आपने गुणनखंड कर दिया तो सर जी नंबर नहीं मिले, ऐसे समझ लो, इसलिए गुणनखंड नहीं करना है, पूर्ण वर्ग ही बनाना है। ठीक है बताओ भाई। बहुत अच्छी बात है भाई रवि जी, जागवा तुमने उनको ना उड़ाया। बताइए x स्क्वायर प्लस पांच एक्स प्लस छह, सभी लोग बता दीजिए सर आंसर, बता दीजिए सर x स्क्वायर प्लस पांच एक्स प्लस छह, सभी लोग बताइए आंसर कितना आ रहा है। x प्लस तीन x प्लस दो, है ना, x प्लस तीन आ रहा है x प्लस दो, बता दीजिए। सभी लोग बता दीजिए और सभी लोग शेयर कर दीजिए जल्दी से जल्दी, आंसर कितना हो जाएगा। देखो सर हमने आपसे कहा पांच में, पहले आपने इसके पहले सर क्वेश्चन एक लगाया था इसी प्रकार का,
लेकिन सर इसका हाँ एक मिनट दो, अब देखो आंसर अगर आप ऐसे बताएंगे तो जाना सही है। सर पांच में दो का भाग लगाया तो ये पचम पच्चीस हुआ, दो दूनी चार हुआ, ठीक है इतना आ गया। सर जी एक सवाल ऐसा भी आपने लगाया जबकि देखो फिर भी अगर आंसर आपका गलत आए तो फिर गंदी बात है, माइनस के पच्चीस बटे चार और प्लस का छह, ठीक है इतना ही तो होगा सर, क्यों भाई इतना ही तो होगा ना। हाँ चलो भाई अब आपका देखो कितना हो जाएगा, एक से आइए ब्रैकेट प्लस का तीन लगाइए पांच बटे दो लिख लीजिए। अब सर ये बताइए चार छंगे चौबीस हो जाएगा, पच्चीस माइनस का चौबीस प्लस का है ना, तो देखो चार छंग चौबीस हो गया सर, कितना होगा माइनस एक बटे चार हो गया, ठीक है क्या हो जाएगा सर माइनस एक बटे चार हो जाएगा। अब सर इसका स्क्वायर आप कर लेंगे क्योंकि ये तो स्क्वायर हो गया, इतना इतना स्क्वायर हो गया ना सर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स प्लस पांच बटे दो इसका स्क्वायर माइनस के एक बटे दो का स्क्वायर, ठीक है। अब सर एक बार ए प्लस बी एक बार ए माइनस बी, यानी एक्स प्लस पांच बटे दो प्लस का एक बटे दो, एक बार सर एक्स माइनस बी यानी एक्स प्लस पांच बटे दो यानी माइनस एक बटे दो। अब आप सर जी देखेंगे हर समान तो पांच एक छह हो गया सर, तो एक्स प्लस छह बटे दो हो गया सर, एक बार ये चार पांच से एक चला जाएगा यानी एक्स प्लस पांच माइनस वन बटे दो हो जाएगा। सर ये देखो दो तिहाई छह हो गया यानी सर एक्स प्लस तीन हो गया है ना, एक्स प्लस चार बटे दो हो गया, दो दूनी चार होता है यानी कि सर एक्स प्लस तीन एक्स प्लस दो हो गया, यही तो हो गया एक्स प्लस दो एक्स प्लस तीन हो जाएगा ना, ठीक है। सर छुट्टी पे नहीं है, सभी को बता दीजिए सर जी प्रूफ घर पे पढ़ा रहे हैं, ठीक है सर कहीं नहीं छुट्टी पे है, सभी लोग बता देंगे कि सर जी प्रूफ कर चैनल पे डीएलएड वाले बच्चों को मैथ क्या सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, साइंस भी पढ़ा रहे हैं साढ़े सात बीस से, एसएसटी भी पढ़ा रहे हैं नौ बजे से, ठीक है। सर जी छुट्टी पे नहीं है, आप लोग तभी तो कह रहे धनाधन शेयर करते रहो, सर जी छुट्टी पे नहीं है, ये कोई भ्रम में ना रहे कि सर जी छुट्टी पे है, ठीक है सर जी बिल्कुल छुट्टी पे नहीं है, सर जी टहलका मचा रहे प्रूफ करके बच्चों को बता दे, ठीक है सभी लोग कह दो सर छुट्टी पे नहीं है, ठीक है ना, सर जी छुट्टी पे नहीं है, सर जी से कौन से कह दो कि सर जी प्रूफ करके टहलका मचा रहे, सर जी छुट्टी पे काय होंगे, इतना खर्चा इसलिए थोड़ी ना किया है कि छुट्टी पे रहे, टहलका मचाने के लिए किया, टहलका मचा रहे। चलो भाई अगला क्वेश्चन लिखे, सभी लोग बता दे जल्दी से, तो फिर हम अगला क्वेश्चन लिख दे, सभी लोग तैयार हो, सभी लोग तैयार हो। चलिए अगला अगर सर क्वेश्चन दे दिया जाए x प्लस वन अपान x इक्वल टू सात है, तो सर जी आपसे कह दिया जाए x स्क्वायर प्लस वन अपान x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, इसको भी सर उसी प्रकार से लगाते हैं जो प्रूफ है पूर्ण वर्ग वाला फंडा है, लेकिन आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाता है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बताइए आप सर जी। आज पूर्ण वर्ग वाले और ऐसे वाले सवालों की छुट्टी कर देंगे, सभी लोग आंसर बताते रहिए। हाँ रजनीकांत जी सर तांडव कर रहे हैं, बस आप लोग शेयर करते रहो धनाधन, आप लोग धनाधन शेयर करते रहो। और देखो भाई सबको बता दो आज सर जी फ्री में नोट्स देने वाले हैं, सारी क्लासें खत्म करने के बाद फ्री में नोट्स, जिनके पास अभी तक नोट्स नहीं थे वही नोट्स देने वाले हैं जो सबके पास है, वो आपके पास भी आते होंगे, फर्क इतना होगा सर कि आपके पास पीडीएफ फॉर्म में होंगे, तो पढ़ाई आप कर सकते हैं जैसे मोबाइल से ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तैसे नोट्स भी पढ़ सकते हैं जब टाइम मिले टाइम टू टाइम, ठीक है। तो सारे लोग नोट्स आज आपको डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के फ्री में मिलने वाले हैं, ये सभी को बता दो जो लोग टेलीग्राम ग्रुप में ना हो ज्वाइन कर लें, ठीक है। बताइए आंसर कितना आ रहा, सैतालीस। हाँ सबको मिलेंगे, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखिए, सबको मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स, एक बार सभी लोग शेयर कर दो, जितने लोग हैं सभी लोग शेयर कर दो, एक बार सभी लोग शेयर करके आ जाओ। हाँ सौम्या जी भी फिर से बताएंगे पूर्ण वर्ग वाला, एक इसको लगाइए, देखो क्या करते हैं इसमें आपको पेपर में कैसे लगाना, कई लोगों ने ट्रिक लगा दी, सात सत्तर उनचास दो माइनस का दो आंसर आ जाता सैतालीस,
पर आपको ट्रिक नहीं लगानी, आपको पेपर में लिखना है दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। आपको सर पेपर में क्या लिखना है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। क्या करना है सर, वर्ग करने पर आपको सर ये करना है, दोनों पक्षों का वर्ग करना है। ठीक है आकांक्षा जी, कल हमको याद नहीं रहा था, आज लेकिन डाल देंगे हम, कल हमको याद नहीं रहा था आज हम डाल देंगे। एक्स प्लस वन अपान एक्स का होल आप स्क्वायर, कल हमको याद नहीं रहा था लेकिन आज हम टेलीग्राम पर डाल देंगे सारे नोट्स। ठीक है आगे चलो सर, इसका जब वर्ग करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर प्लस टू ए भी होता है, टू गुणे एक्स गुणे वन अपान एक्स इज इक्वल टू 7749 हो गया। अब देखो सर ये एक्स से एक्स कैंसिल हो गया तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर। अब सर जी ये जो दो बचा है इसको उधर पक्षांतर कर दो सर, 49 माइनस दो हो जाएगा तो सर एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 47 आ जाएगा। क्या आएगा सर, 47 आ जाएगा। बताओ सर किसी को कोई दिक्कत, हाँ ठीक है सभी लोग बता दीजिए आंसर आ गया, 10 लोगों को सर किया मैंने। टॉपिक चेंज कीजिए भाई, टॉपिक चेंज करने की, टॉपिक तो चेंज नहीं कर दिया है लेकिन आप लोग डेली एक एक चीज को सीखेंगे, क्योंकि अभी क्या है कि एक बार तो हम आपको पढ़ा चुके थे, सभी लोगों ने पढ़ा भी था, अगर आज आप लोग नहीं पढ़ेंगे है ना तो फिर पेपर में दिक्कत होगी। बताओ सभी के समझ में आ गया ये वाला प्रश्न, आप लोग ट्रिक से करते हैं ठीक है, आप लोग ट्रिक से करते हैं, आपको वहां पेपर में ट्रिक नहीं चलानी है। पेपर में सर आपको कैसे करना है, पेपर में इसी विधि से करना है जिस विधि से हमने बताया, अभी तक आपने ये सीखा था। अगर सर जी हम यहाँ पर ले लिख दें एक्स माइनस वन अपान एक्स इक्वल टू 6 है, हमने सर माइनस वाला लिख दिया। अब आप बता दीजिए मैं एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर की वैल्यू, अगर सर ये माइनस वाला आ जाए तब, अभी तक आप प्लस पढ़ रहे थे, अब हमें बता दीजिए सर माइनस वाले का क्या होगा, सभी लोग बता दीजिए, बताओ भाई रट गया है मुझे, आ गए गुरु जी पारल श्रीवास्तव जी आ गए, बताइए भाई आंसर बताइए। ऑप्शन में ऐसा क्वेश्चन नहीं आ जाएगा, आएगा मेरे भैया आपको लगाना ही पड़ेगा, ऐसा ऑप्शनल नहीं आएगा, क्योंकि आप बोलो एग्जामिनर तो जानते हैं कि आपको ट्रिक की आवश्यकता नहीं है, एग्जामिनर जानते हैं कि आपको ट्रिक की आवश्यकता नहीं है, आपको लगाने की आवश्यकता है। मोनू भैया जी देख लेंगे हम, बताइए 638 ठीक है। देखो भाई बातें मत करिए, पढ़ाई पर विशेष ध्यान दीजिएगा, दोनों पक्षों का सर जी वर्ग करेंगे, क्या करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो सर जी एक्स माइनस वन अपान एक्स का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का होल ऑफ स्क्वायर। सर जी अब बताओ a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। और आप सभी लोग बता दो कल कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हो, तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर होगा, माइनस का सर 2ab होता है, माइनस 2 गुणे एक्स गुणे वन अपान एक्स, ये देखो माइनस का 2ab है, इक्वल टू सर 36 हुआ, एक्स से एक्स कटा तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर बराबर 36। अब ये देखो माइनस का इधर उधर जाएगा तो सर प्लस का 2 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस का वन अपान एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। आंसर सर कितना आ जाएगा, 38 आ जाएगा। आंसर सर कितना आ जाएगा, 38 आ जाएगा। एक बार और शेयर कर दो जोर लगाकर, सभी लोग शेयर कर दो भाई। दीपू भैया अब ये क्लास यहीं पर चलती है 4 बजे से, आपको डेली यहीं पे आना है ठीक है। जो लोगों को नहीं पता वो लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, ऊपर सारी क्लासें यहां चलते हैं, आप लिंक से ज्वाइन कर लीजिए। बताइए सर आ गया ना सभी का आंसर, जल्दी से जल्दी बता दीजिए आंसर सभी का आ गया ना। चलो भाई आगे चलते हैं, चलो सर। सर जी जिसमें 2/3 या फिर 5/8 एक्स का मान होते हैं वही सवाल करा दीजिए, 2/3 या
के मान होते हैं जिसमें अच्छाई है भाई। चलो भाई पूर्ण वर्ग में इसी को भी सिखाते हैं। एक लोगों का कहना है सर जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर दिया जाए, अगर एक्स इक्वल टू एक बटे दो वैल्यू हो सर तो इसका मान ज्ञात करो, बताओ सर मान ज्ञात करो। अगर सर जी आपको ऐसा सवाल मिल जाता है तो आप कैसे लगाएंगे? मान लो ये क्वेश्चन दिया गया x की वैल्यू 1 अपॉन 2 दी गई तो इसकी वैल्यू ज्ञात करिए, सभी लोग लगा दीजिए बताइए। नहीं भाई श्रमा शेख जी कोई बात नहीं, आप किसी को ना शेयर करिए, आप पढ़िए बस वही काफी है। जिसको कोई जिसके पास किसी का नंबर नहीं तो वो सिर्फ पढ़ाई करें, उनको शेयर करने की जरूरत ही नहीं है। बताइए सर आपके सामने लिख दिया हमने ये भी क्वेश्चन, बताइए सर आंसर। आप चैप्टर का नाम बता दो हमको, हम वही चैप्टर करा देंगे। आप लोग चैप्टर का नाम बता दीजिए हम वही चैप्टर करा देंगे, आप जो नाम बताएंगे। आप सभी चैप्टर का नाम बता दो हम वही चैप्टर करा देंगे। 17/4। अब देखो सर एक्स की वैल्यू एक बट्टे दो है सर, एक बट्टे दो का स्क्वायर लगा दो प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर है तो एक बट्टे दो का स्क्वायर लगा दो सर जी, एक बट्टे चार हो गया प्लस वन अपान ये भी सर एक बट्टे चार हो जाएगा, वर्ग हुआ एक बट्टे चार। अब बताओ इसका बट्टे एक है तो बीच बीच चार ऊपर चला जाएगा सर, एक बट्टे चार ये ऐसा ही रहा, ये चार ऊपर चला गया तो सर प्लस के 16/1 हो गया। बताओ भाई हुआ 16/1। एक बार देखो भाई इसका बट्टे तो पूरा एक बट्टे चार, इसका बट्टे नहीं था तो बीच बीच का चार ऊपर चला गया 16/1। सर एलसीएम कितना आएगा इनका? आपका आएगा एलसीएम चार। अब चार एलसीएम आया, चार एकम चार एक रहेगा प्लस एक चाकू चार चार बार गया, 16 चाकू 64 हो गया, 64 1 65/4 हो गया, कितना हो गया सर 65/4। मतलब एक 17/4 कर देगा तो सबको ही कर देगा, 1/2 यानी 1/4, 1/2 यानी 1/4 सर। ये तो 1/2 पूरा ही है, ऊपर वाले का बटे नहीं था, बटे एक करेंगे यहाँ पे तो सर बीच बीच का चार ऊपर चला गया, 4 6 16/1 हुआ, 4 आ गया आपका एलसीएम, 4 एलसीएम आया तो सर जी 4 1 4 यानी 1 आएगा। अब 1 6 4 4 बार तो 16 6 64 65/4 आ जाएगा भैया। बताओ बताओ भैया, मतलब एक कर देगा आंसर तो आप लोग भी ऐसे ही कर देंगे? बताओ भाई अरे भाई फोन काय कर रहे हो अभी जब पढ़ा रहे हैं तो भाई फोन ना किया करो। अबे यार दिमाग खराब है, 16 कैसे आया? हाँ 16 नहीं आएगा भैया। एक लोगों का हम कमेंट पढ़ रहे थे, वो ये कह रही थी गोरी जी कि मेरे पापा जी कहते हैं कि सर जी गाना सुनाते हैं उनकी क्लास में ना जाओ, तो उनके कमेंट के चक्कर में फिर हम वहां से कमेंट पढ़ के यहाँ 16 लिख दिया। तो भैया गोरी जी को हम बता दें सवाल हम सही कर दे रहे हैं भाई, अगर आपके पापा जी कहते हैं सर जी गाना सुनाते हैं तो आप मत आया करो भैया, क्यों आती हो? हमारा तो काम है गाना सुनाना, 2 2 4 चार ऊपर चला गया, 4 6 16 हो जाएगा, 17/1 आपका 4 ही आ जाएगा, है ना? तो उनका कमेंट हम पढ़ाए थे, वो ये कह रही थी 65 नहीं आएगा 17/4 आएगा, वो ये कह रही थी गौरी जी कि सर जी गाना सुनाते हैं। तो भैया हमारा तो काम है बताओ, तो अभी एक नगमा छोड़ दे, अगर कोई बताए तो एक नगमा छोड़ दे। हाँ फिर से हम बता दे रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स इक्वल टू 1/2 है सर, ये 1/4 हो गया। अब देखो आप ये देखो सर ये 1/4 पूरा है, इस 1/1 होगा बीच बीच का मल्टीप्लाई 4 का ऊपर मल्टीप्लाई, तो ये सर जी 1/4 पूरा 1/4 ही रहा, है ना? अब ये सर 4 ऊपर चला गया, अब 4 और 1 का एलसीएम 4 है तो सर जी 4 1 4 एक बार गया तो हमने 1 लिख लिया, 1 6 4 4 बार गया तो 4 6 16 लिख लिया, 16 1 कितना हो गया 17/4 हो गया, ठीक है? कितना हो जाएगा 17/4 हो जाएगा।
नहीं गलती की कोई बात नहीं है, हाँ गलती की कोई बात नहीं, वो कमेंट पढ़ रहे थे ना, आप लोगों से कहते हैं भाई बातें ना किया करो, अगर किसी को मेरा गाना नहीं अच्छा लगता है तो भैया ना पढ़ो, अगर किसी के पापा मम्मी मना करते हैं, लेकिन इतना याद रखना आपके पापा, आप लोग टीवी नहीं चलाते, टीवी में कभी गाना नहीं सुनते, अगर टीवी में भी सुनते तो टीवी को फोड़ देना, अगर मोबाइल में सुनते तो मोबाइल को भी फोड़ देना, पढ़ाई पे विशेष ध्यान देना, ठीक है, तो आप क्लास ना करो कोई दिक्कत नहीं, पर ये याद रखना टीवी को भी फोड़ देना, अगर घर में टीवी चलती उसको भी फोड़ देना, और मोबाइल में अगर गाना सुनते तो मोबाइल सामने कोई दीवार दीवार हो उसमें मार देना, है ना, पर मोबाइल को भी फोड़ देना, ठीक है, लेकिन मेरा काम है, हम अपना वो काम वैसे ही करते हैं भाई, अपना अगर कोई मेरा पैसा है और हम उस पैसे को जैसे कमा रहे हैं वैसे ही कमाएंगे, है ना। चलिए भाई आगे चलते हैं भाई, अगला ऐसा ही एक क्वेश्चन और लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो एक्स इक्वल टू आपका अगर यहाँ सर जी दे दिया जाए 5/6, तो सर जी इसकी वैल्यू निकालनी है, निकाल दो वैल्यू निकालनी है, निकाल दो, हाँ हट गए, मेरी मम्मी कहती है पढ़ाते पढ़ाते उठ जाते हैं तो गाने लगते हैं बेचारे, हाँ भाई मतलब हमारा भी कोई मन है यार, हम भी अपना मन अच्छा करते हैं, आपका भी करते हैं, अब वो कहने की मेरी मम्मी कहते हैं ना सुनो, कोई बात नहीं भैया तो आप पढ़ो ना, हम तो भैया ऐसे ही पढ़ाएंगे, हम तो गाना सुनाएंगे सुनाएंगे, आप दिन भर तो सुनाते नहीं रहते, कहीं क्लास में एक दो बार सुना दिया, है ना, हाँ पढ़ाई के साथ साथ मनोरंजन भी होता है। चलो भाई ऐसी बात जब कोई करता है तो दिमाग टेंशन में जाता है कि यार नहीं अच्छा लगता ना पढ़ो, तो फिर यहाँ पर जब दिमाग में टेंशन होती है कुछ और लिख देंगे, बताओ सर मुझे तो ब्लॉक कर दिया, आज बहुत गोली बुराई कर रही है आपकी, हाँ भाई करने दो भाई, बुराई उसी की होती है जिसके अंदर कोई अच्छाई होती है, बुराई उसकी नहीं होती है जिसके अंदर अच्छाई होती नहीं है, है ना, राम राम भाई, बुराई उसी की होती है बेटा जिसके अंदर कोई अच्छाई होती है, तो हमारे अंदर कोई अच्छाई होगी तभी बुराई हो रही सर, 5/6 का स्क्वायर कर दो सर, प्लस 1/x² 5/6 का स्क्वायर कर दो, हम किसी को ब्लॉक नहीं लेकिन करते हैं, हम जल्दी किसी को ब्लॉक नहीं करते क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए आज तक किसी को ब्लॉक ना किया, अपनी क्लास में सर आज तक एक बच्चे को ब्लॉक किया, ओनली एक बच्चे को बस और किसी को नहीं, 5/25 सर छतरंगे 36 प्लस 1/5, ये 5/25 अब कोई बातें नहीं करेगा, सवाल में फिर हो जाती है गलती, अब देखो सर इसके बटे एक बीच बीच का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे का मल्टीप्लाई, ठीक है, तो सर जी कितना हो जाएगा 25/36 सर प्लस 36 ऊपर चला गया 36/25 इतना ही तो हुआ, अब बताओ सर आंसर कितना आया, मेरी मम्मी पास में बोल रहे गाना सुना दो ठीक है, अब पहले तो भाई देखो रवि भैया की, रवि भैया ज्यादा बातें कर रहे हैं, अब हम एक लोगों को उड़ा देते हैं, ये लो भाई रवि भैया को हम उड़ाते हैं, बहुत देर हो गई है ये पढ़ते नहीं है, डिस्टर्ब करवाते हैं, ठीक है, इनको पहले उड़ा दें इसके बाद में आगे कुछ करें, ठीक है, बहुत देर हो गया था, अब ईमान रहे नहीं थे बच्चों को, सभी को डिस्टर्ब कर रहे हैं और कुछ नहीं, डिस्टर्ब करने के अलावा और कुछ नहीं कर रहे हैं, चलो अब चलो सर देखो भाई 5/25 प्लस 5/25 को ऊपर भेज दिया 36/25 हो गया, अब सर जी 36 और 25 का एलसीएम क्या होगा बता दो, 36 और 25 का एलसीएम क्या होगा सभी लोग बता दो, सारे लोग बता देंगे 36 और 25 का एलसीएम कितना हो जाए, 36 और 25 का सर एलसीएम कितना आया, गुणा ही करना पड़ेगा दोनों को, सभी लोग बता दो, हाँ बता दो, रवि को ही उड़ा दिया क्योंकि ये तब से बातों में सबको लगाए हैं, हम किसी को ब्लॉक नहीं करते, ऐसे आदमी को हम भी ब्लॉक करेंगे चाहे खुश रहो चाहे ना रहे, अब हम भी एक रणनीति चला के देखो 25/25 सर 625 25/25 कितना हो जाएगा 625 प्लस सर 36/25 कर लो भाई 36/25 भी कर लो, यहाँ तो देखो 25/25 36/36 अब सर जी 36/25 करो क्योंकि एलसीएम भी लिखना है, 5/6 30 5 × 15 = 16 2×12 की 2 × 8 = 1 2×6 = 7 0 6 × 2 = 8 7 = 1 क्योंकि ये सबको बिलोंग करते हैं ना वहां चैनल पे,
हम नाम नहीं लेंगे, ये किसी का भला नहीं चाहते, हम सब कुछ समझते हैं, सबको ब्लॉक करते हैं। तब से बता रहे हमने स्वाति को उड़ा दिया, हमने लवी को उड़ा दिया, हमने उनको नेहा को उड़ा दिया, राहुल को उड़ा दिया। यार सबको तुम उड़ा रहे का खलीफा हो, ये बताओ, मैं खलीफा हो तुम सबको उड़ा रहे हो, उनके मम्मी पापा नहीं है का कि तुम उड़ा दे रहे हो, फालतू है का वो घर से है, खेलो कूदो मौज करो जाओ। जब तुम सबको उड़ाते हो, तूफान हो यार, तब से सबको उड़ा रहे हो, मतलब और कोई बात नहीं, हमने उनको उड़ा दिया, हमने फलाने को उड़ा दिया, हमने फलाने को उड़ा दिया, मानो तुम खलीफा, उनके मम्मी पापा ने उन्हें पैदा नहीं किया, वो बाहर से टपक पड़े थे आसमान से, तुम सबको उड़ा दे रहे हैं, जाओ उड़ा जाके। अब देखो सर, 36 × 36 कर देंगे तो 36 का दर्जी वर्ग करेंगे, कम से कम सभ्यता से बोलना ही सीख लो, किसी के लिए 2 शब्द अगर सभ्यता से ना बोल सकते तो गलत भी ना बोलो। छतरंगे दर्जी 36 हो जाएगा, 3 × 9 हो जाएगा, पिछाक 18 दूनी कितना होता है सर, 36 होता है, तो सर ये कितना वर्ग आता है, 6 × 6 = 9, 9 × 3 = 12, 1296 आता है सर, 36 का वर्ग कितना, 1296। अब सर 1296 को इसमें जोड़ देंगे, 6 × 5 = 11, 9 × 2 = 11, 1 = 12, और सर 6 × 2 = 8, 8 × 1 = 9, और सर 1921 / 880 आ गया। बताओ सर 1921 / किसका आया सर, 880 तो आ रहा है, हमने 36 × 25 किया था, 25 × 6 = 150, हासिल 15, 25 × 75 = 75 और हासिल कितना, 25 × 150 था 0, और सर जी रुक जाइए गलती ना हो जाए, 25 × 150 की 0, हासिल 15, 25 × 75, 15 कितना होता है, 90 होता है ना, हाँ 900 आएगा, ठीक है 900 आएगा, ठीक है कितना आएगा सर, 900 आएगा, सभी का आ गया, हाँ वो उनके रवि के चक्कर में गुणा गलत लिख दिया, 900 आ रहा है, ठीक है सभी के समझ में आ गया, हाँ 900 आएगा, सभी के समझ में आ गया। आज की क्लास तो ऐसी बना दी, कुछ पूछो ही ना बातों ने। चलो सर जी अगला, सर जी आपको दे दिया जाए 2x² + 5x + 6, अगर सर यहाँ पर x की वैल्यू दे दी जाए 4/7, तो सर इसकी वैल्यू कितनी आएगी, सभी लोग बता दो, सभी लोग बता दो सर, मजा आ गया मुझे तो, जिसने मुझे ब्लॉक किया आज लोग को दौड़ गया, हाँ नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं होती, आप सबको ब्लॉक कर दो जाके हमें भैया क्या, अच्छा आप लोग बताओ, आप सबको ब्लॉक कर दो, हमें कोई तकलीफ, हमें भी कोई तकलीफ नहीं, लेकिन अब तुम यहाँ क्लास में बता रहे हमने उसको उड़ा दिया, हमने उसको भी उड़ा दिया, हम इसको भी उड़ा दे रहे, ये गलत है यार, तुम खूब ब्लॉक करो, हमें क्या मतलब है, हमें कोई मतलब नहीं, खूब ब्लॉक करो यार, हम कहा हाँ हमें क्या दिक्कत, क्यों भाई आप सबको ब्लॉक कर दो, तुम्हारा सब कुछ है हाथ में तो तुम सबको ब्लॉक कर दो, हमें भैया काय बताते हो, यहाँ क्लास में काय मजे ले रहे हो, उनके बच्चों के जो बच्चों को तुमने उड़ा दिया उनकी हंसी कर रहे हैं यहाँ पे, ये क्या गया उनका यार, वो बच्चे नहीं है क्या, हम तो कहते तुम सबको उड़ा दो जाके, हमें भैया क्या दिक्कत, हमें तो कोई दिक्कत ही ना है। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, बताइए सर आगे, सभी लोग बता दीजिए 2x² + 5x + 6, सारे लोग बता देंगे, भाई सौम्या उपाध्याय जी हम गलत नहीं समझते हैं, लेकिन आप ये बताओ बार बार यह कह रहे हैं कि हमने उनको उड़ा दिया, हमने उनको उड़ा दिया, ये सही है क्या, ये सही शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, कई राहुल जी आए थे, कई इन्होंने चैनल की आईडी की, हमने की उनकी आईडी उड़ा दी, ये गलत नहीं है क्या, ये तो गलत है, x बराबर 4/7, 2 × 4/7 का स्क्वायर है, प्लस 5 × 4/7 है, प्लस 6। अब सर जी देखो 2 × 4 = 16/749 हो जाएगा, प्लस 5 × 20/7 हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा, है ना। अब देखो सर 16 × 2 = 32 हो जाएगा, 32/49 हो जाएगा, प्लस 20/7 हो जाएगा, प्लस 6/1 हो जाएगा। सर जी यहाँ पे कितना आ जाएगा, 49/7 = 1, यहाँ पर सर 49 LCM आ जाएगा, कितना आएगा 49 आ जाएगा। अब देखो सर जी 49 से 49 कट जाएगा, कितना बचा सर जी 32 बचा, सर 7 का सर जी भाग लगाओ इसमें, 7 × 7 = 49 होता है,
सात बार गया सर, सात का बीस में गुणा करेंगे, बीस सत्ते 140 प्लस एक का 49 में गुणा करेंगे, 49 बार गया सर, 49 का सर 6 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6 नियम 54 की 4 हासिल लगा 5 और 6 चौके 24 और 5 कितना होता है 29 यानी कि 294। अब सर 402 यानी 42 6 9 4 13 13 3 16 की 6 हासिल 1 2 1 3 1 हासिल वाला 496 बटे 49 कितना आएगा सर, 496 बटे 49 आ जाएगा कितना, अब ये कट जाएगा 7 से, 7 से 7 छंग 42 कितना बचा सर, 4 बचा, कट जाएगा क्या, 466 बचे 49 आ रहा है, हाँ भाई 466 बटे 49 आ रहा है, 294 बटे 49 आएगा। नहीं भाई ब्लू टिक नहीं है, ब्लू टिक नहीं रखते हैं, बताओ पापा की परी जी बार देखो शिल्पी जी हम प्यार से समझा दें, 4 चक्कू 16 7 सत्ते 49 प्लस 5 चक्कू 20 किया बट्टे में 7 प्लस 6 16 दूनी हो गया 32 बट्टे 49 प्लस 20 बट्टे 7 प्लस 6 बट्टे इसका सर एलसीएम 49 से 49 कटा एक बार गया, एक का 32 में गुणा 32 7 सत्ते 49 हुआ तो 20 का 7 में गुणा होगा 20 सत्ते 140 एक का 49 में 49 बार गया तो 6 का 49 में करेंगे 6 नियम 54 की 4 हासिल 5 6 चौक 24 5 29 हो गया। अब जोड़ लो सर 4 0 4 2 6 हुआ 9 4 13 13 को 3 16 16 की 6 हासिल 1 2 1 3 हासिल वाला 4 466 बटे 49 आएगा क्योंकि ये फिर कटेगा नहीं, ठीक है। हाँ भाई आज पीडीएफ ग्रुप में हम डाल देंगे, ठीक है आज पीडीएफ को हम ग्रुप में डाल देंगे, किसी को सर जी कोई दिक्कत नहीं होगी, पीडीएफ जो है वो ग्रुप में पहुंच जाएगा। देखो हमारा उद्देश्य हमेशा जब कहीं भी हम पढ़ा रहे थे तब भी हम कहते थे कि बातें ना करो, बातें करने से दिमाग डिस्टर्ब होता है, कोई कुछ लिखता है हम इधर कमेंट आपके देखते हैं, आप आधे से ज्यादा बातें करते हो फिर यहाँ हम कुछ कर देते हैं क्योंकि दिमाग फिर डिस्टर्ब हो जाता है, तो बातें मत किया करो सिर्फ पढ़ाई करो। हम भैया आपको पढ़ा रहे हैं ना, बताओ हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आप लोग शांति से पढ़े, क्या मतलब है दुनिया कुछ भी करे आपको पढ़ने को मिल रहा है बस। सर जी 3x² कर दे अगर प्लस का 5x कर दे, और सर अगर x की वैल्यू हम 2/3 कर दे तो सर इसकी वैल्यू क्या, एक बार और देख लो, जिसके समझ में ना आया वो सर एक बार और देख ले, अगर 3x² प्लस 5x है, x की वैल्यू सर 2/3 है, आंसर बता दीजिए। नहीं भाई डरने की कोई बात नहीं, हाँ सीवी जी मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक ऊपर लगा है, और आप लोग यहाँ खूब कहो आके कि उस चैनल पे चलो हमें कोई तकलीफ नहीं है, पर किसी का मजाक ना बनाओ, बस हमें मजाक बनाने से तकलीफ है, आप मेरे चैनल पे खूब कहो वहां चलो बच्चों का जिसका जहां मन हो वहां पढ़े, हम भैया किसी पे कोई बाउंडेशन ना है, खूब पढ़ो आप आराम से, हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन किसी का मजाक ना उड़ा, मजाक उड़ाने से तकलीफ है बस। बताओ भाई आप सभी लोग यहाँ कह दो कि वहां चलो हमें कोई तकलीफ नहीं, जिसकी जहां मर्जी वहां पढ़े, पर किसी का मजाक ना बनाओ कि सर जी मजाक बनाते तो फिर हमें तकलीफ है, क्योंकि जो बिलोक हो गया वो तो बेचारा कह रहा हम बिलोक हो गए आप मजाक उड़ाते हैं। बताओ सर 23/6 आंसर आ रहा है, 143 आंसर आ रहा है, और बताओ सर 14/3 आ रहा। हाँ सौम्या जी हमें इससे तकलीफ नहीं, आप अभी यहां लिख दो कि मनीष अकेडमी पर चलो, हमको नाम बोलने में भी तकलीफ नहीं, कोई बोले चाहे बोले हम नाम भी बोले, आप कह दो खूब मनीष अकेडमी पे चलो, हमें कोई तकलीफ नहीं, जिसका जहां मर्जी वहां पढ़े, हम किसी को रोक टोक नहीं लगाते, लेकिन हम क्लास यही लेंगे, जिसको यहाँ पढ़ना है वो यहाँ पढ़े बस, हमें सर जी किसी से कोई तकलीफ नहीं है ना, हमको किसी से सर जी कोई तकलीफ नहीं है, 3 × x² है तो 2/3, पर किसी बच्चे का मजाक बनेगा तो तकलीफ है, उसका मजाक हम सहन ना करेंगे बस,
प्लस सर पांच है, पांच एक्स है सर, एक्स की वैल्यू दो बट्टे तीन है तो दो बट्टे तीन करिए। अब सर तीन गुणे ये सर कितना हो गया, दो दूनी चार हो गया और तीन तिरका सर नौ हो गया। यहां तक सभी को क्लियर? हमने क्या किया, जहां पे एक्स था उस जगह पर इस दो बट्टे तीन को रखा, तो आपने देखा सर एक्स ये था दो बट्टे तीन स्क्वायर था, स्क्वायर लगा लिया। प्लस सर पांच गुणे दो बट्टे तीन रखा क्योंकि एक्स की वैल्यू दो बट्टे तीन थी, तो सर अब ये आपका कितना हो गया, पांच दूनी दस बट्टे ये तीन हो गया, ठीक तिचौ के बारह बट्टे सर नौ। अब ये तीन से नौ कट भी सकता है, अगर आप यहाँ बारह ना करें तो इसको सर आप काट भी सकते हैं, तीन तिरका नौ यानी कि चार बट्टे तीन प्लस दस बट्टे तीन, यानी कि जब हर समान हो, जो हर में है वो सर सेम हो, है ना, जो हर में सेम हो उसको सर क्या करते हैं, दस चार चौदह ऊपर वाला ऐसे ही जोड़ लेते हैं, बट्टे में हर लिख देते हैं, बस इतना सर आंसर आ जाता है। क्या बोल रहे थे कि जो वहां चैनल पे उस चैनल का नाम लेते हैं उसको ब्लॉक कर देते हैं वो, और हमने कमेंट में दो तीन बार ये पढ़ा कि वहां पर राहुल जी ने कहा कि हमें भी ब्लॉक कर दिया, तो उन्होंने ये कहा राहुल जी आपने वहां पर प्रूफ का चैनल का नाम दिया इसलिए आपकी आईडी उड़ा दी हमने, ये लिखा था हमने, चाहे तो आप कमेंट अब नहीं मिल सकता है, लिखा था उड़ा दी हमने, ये लिख रखा था। तो जब तुमने उड़ा दी तो फिर भैया यहाँ पर बताए कह रहे हो, अगर किसी ने देखा हो सीधा सीधा ये लिखा था तुमने उसे चैनल के प्रूफ कर का नाम दिया तो तुम्हारी आईडी उड़ा दी हमने, ये लिख रखा था। आंसर कितना रहेगा, चौदह बट्टे तीन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अब गलत टाइप हो गया उसके लिए हम नहीं कहते, लेकिन लिखा यही था कि उड़ा दी हमने, तो तुमने कहे उड़ा दी भैया बताओ। अगला सर क्या, अगला सर सवाल है दो एक्स प्लस तीन बाई, अगर सर ऐसा मिल जाए यहाँ पर सर पांच एक्स प्लस छह बाई ऐसा मिल जाए। अब सर आपको एक्स बराबर अगर दे दिया जाए एक बट्टे दो, सर बाई बराबर दे दिया जाए दो बट्टे तीन, इतना दे दिया जाए तो सर मान निकाल दीजिए, बताइए सभी लोग बताइए। अरे चलो हम खोल देंगे भाई, आप लोग कह रहे हैं तो खोल देंगे, परेशान ना हो पढ़ाई करो, ठीक है परेशान कोई भी ना हम खोल देंगे, अगर ये कह रहे थे तो हम खोल देंगे, लेकिन आप अगर आप लोगों को आप लोग उनका आपके पास नंबर है तो उनको बोल दो भैया खूब बोले आप यहाँ पर मजाक किसी बच्चे का ना बनाए, है ना, आप यहाँ किसी भी बच्चे का मजाक ना बनाए, अगर कोई उड़ाता है तो उसको उड़ाने दो, ठीक है आप लोगों को अगर जानते हैं तो आप लोग बता देना कि तो यहाँ किसी बच्चे का मजाक ना उड़ाओ, हम खोल देंगे, ठीक है हमें कोई तकलीफ ही नहीं। हमने आपसे क्या कहा, आप सभी लोग यहाँ चैनल का नाम छाप दें मनीष अकेडमी, हम भी बता रहे हैं मनीष अकेडमी, हमें कोई तकलीफ नहीं, छाप दो खूब छाप दो, हम कहते रहे हमें कोई तकलीफ ही नहीं, हमें तकलीफ सिर्फ इतने से है जो बच्चे का अगर मजाक उड़ेगा तो तकलीफ है, बस हमने ये तो कहा ही नहीं, हम ये कहाँ कह रहे, हमने कहीं कहा कि आप यहाँ मनीष अकेडमी का नाम लो हम आपको ब्लॉक कर देंगे, नहीं करेंगे, खूब नाम लो खूब छापो, किसी को ब्लॉक नहीं करेंगे, पर किसी बच्चे का मजाक ना उड़ाओ बस, और वो बच्चे का बच्चों का मजाक उड़ा रहे थे तो हमें वो पसंद ना आया, बस सीधी सी बात ये है। सर जी एक्स इक्वल टू वन अपान टू, दो गुणे वन अपान टू है प्लस तीन गुणे दो बटे तीन है, तीन बटे तीन गुणे दो बटे तीन, क्योंकि अभी जैसे समय आप हो आपका कोई यह मजाक उड़ा देता था तो आप भी कहते सर जी हम जा रहे क्लास से, ऐसे बोलते हैं ना, तो यहाँ पर जो बच्चों का मजाक बन रहा है वो बच्चे क्या सोचेंगे सर जी कुछ कही ना रहे हमारा मजाक बन रहा, तो हमें तो उनको भी देखना है ना, अगर एक बच्चा कोई मजाक उड़ा रहा है तो हमें अच्छा उनको अच्छा नहीं लगेगा तो हमको कैसे लगेगा बताओ, अच्छा आप लोगों का इसमें से किसी का कोई सारे बच्चे मजाक उड़ाने लग जाए तो वो तो चला जाएगा क्लास फिर के, वो कहेगा हमारा मजाक उड़ा रहे सर जी कमेंट ना देख रहे सर जी कुछ कह ना रहे, तो बात ये है और कुछ नहीं, ठीक है। अगला सर पांच गुणे एक बटे दो प्लस छह गुणे दो बटे तीन,
तीन दूनी सर ये छह हो जाएगा, सर तीन से तीन कट जाएगा, दो से दो कट गया, यहाँ सर कितना वन प्लस आपका सिर्फ दो बचा, यहाँ पे सर पांच बट्टे दो बचा प्लस आपका दो बचा, ठीक है। ये सर दो एक कितना हो गया तीन हो गया, ये सर कितना हो जाएगा दो दूनी चार, और चार में पांच जुड़ेगा कितना, देखो सर दो दूनी चार, चार में पांच जुड़ेगा तो कितना नौ बट्टे दो, सर आप बताओ तीन गुणे नौ बट्टे दो हो गया, नौ दिया सत्ताईस बट्टे दो, किसका आंसर आ रहा बता दो जरा, उनतालीस आ रहा है, सत्ताईस बट्टे दो आ रहा होगा भैया, उनतालीस आ रहा है, उनतालीस बट्टे दो, भाई आंचल जी तो मन ब्लॉक कर देंगे कह तो रहे हैं, पर मजाक की बात कर रहे हैं आप लोग, समझ क्यों नहीं रहे, उनसे ये कह दो भैया रवि जी आप आराम से शांति से यहां भी पढ़ो वहां भी पढ़ो, मजाक ना बनाओ किसी का, ठीक है, हम अनब्लॉक कर देंगे। यहाँ पर गलत गलत हो गया कहीं क्या, एक बट्टे दो रखा सर एक्स, दो से दो कटा एक बटा, दो बट्टे तीन, तीन से तीन दो बचा, दो एक तीन हो गया सर, यहाँ पर सर एक्स एक बट्टे दो पांच बट्टे दो हो गया सर, ये सर छह गुणे दो बट्टे तीन, तीन दूनी छह दो, दो दूनी चार, देखो ये गलत कर दिया आप लोग, बाद में करवा रहे गलत करवा देते हो, चार दो चाकू आठ पांच तेरह हो जाएगा सर, तेरह तीन उनतालीस हो जाएगा, कितना हो जाएगा तेरह तीन उनतालीस, है ना। आज की क्लास तो बातों ही बातों ने गलत सब खराब कर दी क्लास। हाँ चलो भाई, इतनी ज्यादा आज की क्लास में बातें हुई है, हद से ज्यादा, और कल से कोई बातें नहीं करेगा, अगर पढ़ना है बिल्कुल भैया शांति से पढ़ो, क्योंकि क्लास अगर कोई बात में देखेगा वो क्या सोचेगा, आप लोगों को तो पता है कि क्लास में क्या चल रहा था आज, तो जो बाद में देखेगा वो क्या सोचेगा, तो इसलिए आप लोग कोई भी बातें ना करें, और अगर बातें करेंगे तो हम किसी का कमेंट नहीं देखेंगे, बस साफ बात है किसी का भी कमेंट नहीं देखेंगे। आज की क्लास यहीं पर पांच तीन हो गया है, इसलिए आज की क्लास यहीं पर, आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में 7:20 पर साइंस की क्लास, 7:20 पर साइंस की क्लास, ठीक है, और हम उनको अनब्लॉक कर देंगे, आप बता देना, ठीक है, जिसके पास भी नंबर हो उनको बता देना, हम अनब्लॉक कर देंगे, लेकिन किसी बच्चे का कह देना मजाक ना उड़ाए, क्योंकि हमें पसंद नहीं आता है, जिसके साथ जो हुआ उसके साथ होने दो, हमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ, और कल से कोई भी बात नहीं करेगा, बात करने से क्या फायदा, अच्छा आप लोग अगर डेली ऐसे ही बातें करते रहेंगे कि उसको ब्लॉक ये ब्लॉक वो ब्लॉक कब पढ़ेंगे, और हम सही से पढ़ा भी ना पाएंगे, क्या फायदा बताओ, अच्छा है ना, दो दिन से इतने अच्छे से क्लास चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं, आज तो बातों ही बातों में सब पता नहीं कहाँ कहाँ होता रहा क्लास में, ठीक है। तो सभी लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, 7:20 पर साइंस की क्लास होगी, सभी लोगों को आना है 7:20 पर साइंस की क्लास में, ठीक है। नहीं भाई हम ब्लॉक कर खोल देंगे, पर भाई मजाक तो नहीं उड़ा, चल जी अगर हम आपका भी मजाक उड़ाने लगे बताओ आपको कैसा लगेगा। और जो बच्चे 10-15 बच्चे हो गए ब्लॉक हमारे पास, वो मैसेज भी कर रहे हैं सर हमको ब्लॉक कर दिया, हम क्या करें कैसे खोले, तो हम तो कुछ उपाय नहीं बता सकते, हम क्या बता दें भाई, कौन खोल सकता है, जिसने किया वही खोल सकता है, तो फिर आप उनका अगर यहाँ पर मजाक उड़ेगा तो उनको कैसा लगेगा, आप ये सोचो एक बार ये भी तो सोचो, जो बच्चे ब्लॉक हो जाएंगे उनका मजाक उड़ेगा उनको कैसा लगेगा, अगर आप परीक्षा में फेल हो जाए आपका सारे लोग मोहल्ले में मजाक उड़ाए तो आपको कैसा लगेगा बताओ, अच्छा लगेगा क्या, नहीं लगेगा ना अच्छा, घर से निकलना भी मुश्किल होगा, तो ये होता है और कुछ नहीं, तो ये अच्छी बात थोड़ी ना होती है। ठीक है अब हम चलते हैं, खोल देंगे हम सभी को, बाय बाय सभी को, बाय बाय, टेक केयर।